फ्रेंड्स, मैं ड्रामाइट समीर और आज हम बात करेंगे ऋतिक रोशन की मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी क्रिश 3 के मेकिंग बिहाइंड द सीन के बारे में। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस प्रकार से VFX टेक्नोलॉजी की मदद से इन सीन को शूट किया गया है और किस प्रकार से क्रिश को हवा में उड़ाया गया है, वो आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हो। फ्रेंड्स, जो भी साईफाई मूवी होती है उसे ग्रीन स्क्रीन पर ही शूट किया जाता है और VFX की मदद से ही इन सारे सीन को बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देख सकते हो कि किस प्रकार से किस किस जगह ग्रीन स्क्रीन और VFX का यूज किया गया है, वो आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हो और किस प्रकार से ग्रीन स्क्रीन की मदद से ही इन सीन को शूट किया जाता है, वो आप इस वीडियो में आसानी से देख सकते हो। फ्रेंड्स, क्रिश 3 मूवी में कुछ जगह CGI टेक्नोलॉजी की मदद भी ली गई है और कुछ सीन को CGI टेक्नोलॉजी की मदद के द्वारा शूट किया गया है, जो आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि किन किन सीन को CGI टेक्नोलॉजी की मदद के द्वारा शूट किया जा रहा है। फ्रेंड्स, ये मूवी छोटे बच्चों को सबसे ज्यादा पसंद आई थी और फ्रेंड्स, क्रिश को ही हम इंडिया का सुपर हीरो भी मानते हैं। फ्रेंड्स, क्रिश 3 मूवी में क्रिश की और जो काल की फाइट होती है वो एक्शन सीन भी बहुत ही शानदार है। फ्रेंड्स, इसमें जो एक्शन सीन है वो सीन इस मूवी में हॉलीवुड के टक्कर के सीन लगते हैं। मूवी में क्रिश की और जो काल की फाइट होती है क्लाइमेक्स सीन में, उस क्लाइमेक्स सीन की एक्शन फाइट सीन को किस प्रकार से बनाया गया है और किस प्रकार से शूट किया गया है, वो आप इस वीडियो में देख सकते हो, जो देखने में बहुत ही शानदार लगती है किस प्रकार से ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है क्लाइमेक्स सीन में। फ्रेंड्स, इस मूवी की स्टोरी भी बहुत ही दमदार थी। फ्रेंड्स, बात करें इस मूवी के डायरेक्टर की तो फ्रेंड्स, इस मूवी के डायरेक्टर थे राकेश रोशन और इस मूवी को रिलीज किया गया था 1 नवंबर 2013 को। बात करें इस मूवी के मेन लीड रोल की तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के मेन लीड रोल में है ऋतिक रोशन, विवेक ओबरॉय, प्रियंका चोपड़ा और कंगना रनावत। और फ्रेंड्स, इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी की है टीरू ने। बात करें क्रिश 3 मूवी के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो फ्रेंड्स, इस मूवी का बजट लगभग 100 करोड़ रुपए था और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर लगभग 400 करोड़ रुपए की कमाई कर ये मूवी उस समय ऑल टाइम मेगा ब्लॉकबस्टर मूवी रही थी।